नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा की प्रादीप पोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश के ईस्टर्न एरियाज में डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो ओडिशा की प्रादीप पोर्ट को एक वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे एंड इसके ऊपर 3000 करोड़ रुपीज़ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किए जाने हैं। दोस्तों कहा ऐसा गया है कि प्रादीप पोर्ट हमारे देश की वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट मानी जाती है एंड ये पोर्ट इजिली जो बड़े बड़े शिप्स हैं उनको हैंडल कर सकती है। और इसके चलते होता ये है कि इस पोर्ट पर जब शिप्स आते हैं तो उनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और इसी मेन रीज़न के चलते इसको अब एक मेगा पोर्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू वेस्टर्न डॉक बनकर तैयार होगा जिसके ऊपर 2040 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे। 612.5 करोड़ रुपीज की लागत से कॉमन स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, 352 करोड़ रुपीज स्पेंड करके कैपिटल ड्रेजिंग पर भी काम किया जाना है ताकि वाटर की जो डेप्थ है उसको और भी इंक्रीज किया जा सके। और एक बार जब ये सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट तो कम होगी होगी, साथ साथ जो कोल के इंपोर्ट्स है वो भी सस्ते होंगे, न्यू जॉब भी जनरेट होंगी और जो बड़े बड़े शिप्स हैं उनको भी इजिली यहाँ पर हैंडल किया जा सकेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट अडानी ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका सिविल एविएशन पोर्टफोलियो और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अडानी ग्रुप के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब वो हमारे देश की एक MRO कंपनी में कुछ स्टेक को बाय करेंगे एंड इसके चलते उन्होंने डिस्कशंस को स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसमें अडानी ग्रुप एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है, क्योंकि ये हमारे देश के काफ़ी सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को ऑपरेट भी करता है एंड अब इसी प्रेजेंस को और भी बेहतर बनाते हुए इनके द्वारा न्यू प्लान सामने रखा गया है। कहा ऐसा गया है कि वो मुंबई बेस्ड एयरवर्क्स ग्रुप में, जो कि हमारे देश की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट MRO ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ स्टेक एक्वायर करेंगे। और जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मुंबई बेस्ड कंपनी है इसकी प्रेजेंस हमारे देश की 27 सिटीज में है और ये बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज जैसे कि इंडिगो, विस्तारा, गो एयर, फ्लाई दुबई, लुफ्थांसा, इन सभी को MRO सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों देखते हैं कि अडानी ग्रुप इस कंपनी में कितना स्टेक एक्वायर करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आई है स्टेट ओन ऑयल जॉइंट BPCL को लेकर, जहां पर दोस्तों फ्यूचर रेडी बनते हुए BPCL के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब वो उनकी जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको लार्ज स्केल पर एक्सपांड करेंगे और 30,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर उनके द्वारा होती देखने को मिलेगी। दोस्तों BPCL जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस कंपनी को प्राइवेटाइज करना चाहती है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और करंटली इसके लिए जो प्लान्स हैं उसके अंतर्गत या तो BPCL को प्राइवेटाइज किया जाएगा या फिर गवर्नमेंट इसमें उनका कुछ स्टेक सेल करेगी। और इसी अनसर्टेनिटी के चलते BPCL के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो फ्यूचर रेडी बनेंगे और 30,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो उनकी बीना एंड कोची इन दोनों रिफाइनरीज में उनकी जो पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है उनको बेहतर बनाएंगे। एज ऑन दोस्तों BPCL के द्वारा उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है जिसमें देखा जाएगा कि BPCL की कौन कौन सी रिफाइनरीज में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस है उनको एक्सपांड किया जा सकता है। और वैसे तो इस प्रोजेक्ट की जरूरत भी है क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारे देश में काफ़ी लार्ज स्केल पर जो पेट्रोकेमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन एक बार जब ये प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे देश में ये जो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों फाइनली 58 ईयर्स के गैप के बाद में धनुषकोड़ी से रामेश्वरम के बीच में जो न्यू रेल कनेक्टिविटी बनकर तैयार होगी इसके लिए हमारी साउदर्न रेलवे जोन के द्वारा पूरा प्लान भी प्रिपेयर कर लिया गया है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट दूं तो 1964 से पहले धनुषकोड़ी काफ़ी पॉपुलर स्टेशन हुआ करता था और यहाँ पर काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन 1964 में एक सुनामी के चलते यहाँ पर जो रेलिंग था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। और इसके बाद ऑब्वियसली कोई अटेंशन दिया ही नहीं गया, पर अब कहा ऐसा गया है कि ये जो एरिया है इसका जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी को हार्नेस करने के लिए दोबारा से इसको रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। कहा ऐसा गया है कि 18 किलोमीटर का न्यू रेल लिंक यहाँ पर बनकर तैयार होगा जिसमें 13 किलोमीटर एलिवेटेड होगा, 3 हाल स्टेशंस और एक टर्मिनल भी यहाँ पर बनकर तैयार होगा। और मेन थिंग तो ये होगी, ये जो पूरी की पूरी 18 किलोमीटर की न्यू रेल लाइन होगी ये एक इलेक्ट्रिक लाइन होगी जो कि रामेश्वरम स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी और 700 करोड़ रुपये से ऊपर स्पेंड करके इस रेल लाइन को कंस्ट्रक्ट किया जाना है। अगली दोस्त सब डे निकल कर आ रही है इंडियन ऑटोमोटिव मेकर टाटा मोटर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों US बेस्ड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्ड का जो गुजरात प्लांट है अब इसको टाटा मोटर्स के द्वारा परचेज किया जाएगा और इसके लिए इन्होंने फोर्ड के साथ में पोटेंशियली परचेज एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो US बेस्ड फोर्ड है इनके द्वारा कुछ समय पहले हमारे देश से एग्जिट ले लिया गया था और इवेंचुअली कुछ समय बाद इनके द्वारा ये भी अनाउंसमेंट की गई थी कि ये हमारे देश में उनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और PLI स्कीम के अंतर्गत इनको अप्रूव भी कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से इनके द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है कि वो हमारे देश में उनकी जो कंडीशन हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे और इसी के चलते दोबारा से इन्होंने उनके प्लान्स को ड्रॉप कर दिया और अब टाटा मोटर्स के द्वारा इनका गुजरात के सानंद में जो फैक्ट्री है उसको परचेज किया जाएगा। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड
फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इनके बीच में एमओयू साइन किया गया है और अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर फोर्ड आने वाले समय में उनके कुछ प्रोडक्ट्स को इस प्लांट में मैन्युफैक्चर करना चाहता होगा तो वो दोबारा से इसको लीज पर लेकर मैन्युफैक्चर कर पाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों लक्षद्वीप में लोगों की लाइफ को बेटर बनाने साथ साथ इसको एक बेहतर ढंग से हमारे मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा इसके लिए एक 61 करोड़ रुपीज़ का टेलीकॉम डेवलपमेंट पैकेज अप्रूव कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब टेलीकॉम कनेक्टिविटी लक्षद्वीप में और भी बेहतर होती हुई देखने को मिलेगी। तो उस पैकेज के अंतर्गत हमारी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में न्यू 4G टावर्स, 225 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, ये सभी चीज़ डिप्लॉय की जाएंगी और इसी के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके थ्रू लक्षद्वीप में जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो 1.71 GBPS से 100 GBPS तक इंक्रीज हो जाएगी। साथ साथ 18 न्यू 4G मोबाइल टावर्स और वहीं जो 19 एग्जिस्टिंग 2G साइट्स हैं उनको भी 4G साइट्स में कन्वर्ट किया जाएगा और अक्टूबर 2023 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं 200 अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज की न्यू फ्रेट ट्रेन्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में रेलवेज के फ्रेट शेयर को इंक्रीज करने के लिए रेलवेज के द्वारा जल्दी हमारे देश में जो सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन्स हैं उनको रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। कहा ऐसा गया है कि इसी साल के एंड तक हमारे देश में जो सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन्स हैं वो ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमारी रेलवेज के द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि वो हमारे देश में सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन को चलाएंगे जो कि सिमिलरली वंदे भारत की तरह होंगी और अभी जो प्लान्स हैं काफ़ी आगे भी पहुंच चुके हैं क्योंकि हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को हमारी रेलवेज के द्वारा ऑर्डर दे दिया गया है कि वो इसी तरह की 25 ट्रेन को प्रिपेयर करें और इस साल के एंड तक एटलीस्ट 2 ट्रेन तो बनाई जानी चाहिए। कहा ऐसा गया है कि जो ट्रेन्स होगी इनका नाम गतिशक्ति ट्रेन होगा, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक की होगी, जबकि एज ऑफ नाउ हमारे देश में फ्रेट ट्रेन्स की मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर तक की है और एज ऑफ नाउ उस गतिशक्ति ट्रेन के लिए जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गए हैं, रॉ मटेरियल ऑर्डर करने का काम स्टार्ट हो गया है और एक बार जब ये ट्रेन बन जाती है तो आप देखेंगे कि आने वाले समय हमारी रेलवे का जो फ्रेट बिजनेस है वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आज की 200 लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में स्पोर्ट्स एजुकेशन को बेहतर बनाते हुए अहमदाबाद का जो नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इस पर काम भी स्टार्ट कर दिया गया है क्योंकि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जी के द्वारा इसके लिए फाउंडेशन रख दिया गया है। दोस्तों जो नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो कि 18 एकर्स के एरिया में फैला होगा और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 18 टाइप्स के अलग अलग इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स को होस्ट कर पाएगा। इंडोर स्पोर्ट्स अरीना, कम्युनिटी स्पोर्ट्स अरीना, एक्वाटिक स्टेडियम, ये कुछ मेन फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। ओवरऑल 631.77 करोड़ पीस इसके ऊपर स्पेंड किए जाएंगे और क्योंकि अब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो गया है तो अगले 30 मंथ्स के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। और कहा ऐसा गया है कि आने वाले समय क्योंकि भारत ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहता है तो उसी के लिए ये एक प्रिपरेशन है क्योंकि एज ऑफ नाउ अहमदाबाद में सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड इसी तरह के 3 और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर काम चल रहा है और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि अहमदाबाद में जो स्पोर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बेहतर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।